दोस्तों आज का वीडियो में हम जानेंगे HT पैनल एंड LT पैनल को आप कैसे पहचानेंगे। दोस्तों आपके सामने दो पैनल है, राइट साइड में एक पैनल है, लेफ्ट साइड में एक पैनल है। तो इनमें से एक HT पैनल है और एक LT पैनल है। तो आप लोग कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा पैनल HT पैनल है और कौन सा पैनल LT पैनल है, उसका आसान तरीका मैं आज आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले दोस्तों दोनों साइड का पैनल को हम एक बार देख लेते हैं। तो राइट साइड पैनल को आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पैनल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है आप देख रहे हैं। एक ही ड्राइव के लिए एक ही फीडर पूरा ऊपर से नीचे तक एक ड्राइव के लिए डेडिकेटेड है, यानी जितना ड्राइव रहेगा पैनल का ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही ड्राइव के लिए डेडिकेटेड रहेगा। यहाँ पे रिले लगा हुआ है, पैनल का टॉप में रिले रहेगा, रिले का सेक्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आइसोलेटर सेक्शन है यहाँ पे, और नीचे में उसका इंडिकेशन सर्किट है, यहाँ पे हम करंट को देख सकते हैं, और नीचे में उसका वैक्यूम कंडक्टर फ्यूज, ये सारे नीचे सेक्शन में है। ऐसे आप देख रहे हैं दोस्तों जितना सारा ड्राइव है सारे ड्राइव के लिए एक एक रो पूरा डेडिकेटेड किया गया है, यानी एक ही रो में एक ही ड्राइव का डेडिकेटेड फीडर है दोस्तों। तो चलिए दूसरा वाला पैनल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ही रो में आप दो फीडर देख रहे हैं। टॉप में यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है बस बार सेक्शन यहाँ पे गया है, और वहाँ से डाउन बस बार होके एक ही रो में आप लोग यहाँ पे देखिए दो फीडर हुए, यहाँ पे दो फीडर लगा हुआ है और यहाँ पे भी दो फीडर लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छः फीडर लगा हुआ है, यानी छः ड्राइव को हम लोग यहाँ से सप्लाई दे सकते हैं। तो राइट साइड वाला जो पैनल था उसमें कंप्लीट रो एक ही ड्राइव के लिए लगाया गया है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो पैनल है उसमें एक ही रो में आप लोग 2 से 6 तक लगा सकते हैं, यानी 2 ड्राइव को भी सप्लाई दे सकते हैं, 6 ड्राइव को भी सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि LT क्या है, HT क्या है। HT हम किसे बोलेंगे दोस्तों, HT यानी हाई टेंशन वोल्टेज, यानी जिसका वोल्टेज रेंज 1000 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा उसको हम बोलेंगे HT वोल्टेज, और सिमिलरली जिसका 1000 वोल्ट से कम रहेगा, 1000 वोल्ट से 1 kV वोल्ट से लो रहेगा उसको हम बोलेंगे LT पैनल। तो HT पैनल यानी उसका वोल्टेज रेंज कितना तक हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा है, कितना वोल्टेज शो कर रहा है मीटर में, 6600 वोल्ट शो कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे वोल्ट मीटर एक लगा हुआ है, वोल्ट मीटर में क्या लिखा है दोस्तों, वोल्ट मीटर KV मीटर है। तो KV मीटर मैंने जैसे बोला कि HT पैनल जो रहेगा उसका वोल्टेज रेंज रहेगा 1000 वोल्ट से ज़्यादा, यानी 1 kV से ज़्यादा रहेगा। तो इसका वोल्टेज रेंज यहाँ पे दिखा रहा है 6.6 kV, तो ये हो गया हमारा HT पैनल। और लेफ्ट साइड का भी सिमिलरली अगर हम उसका वोल्टेज को चेक करेंगे तो कहाँ पे चेक करेंगे, वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं उसका इनकमर में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे पैनल में सप्लाई आया है उसको बोलेंगे इनकमर। तो इनकमर में वोल्ट मीटर को देखिए, वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा है, 400 वोल्ट दिखा रहा है, यानी इसका वोल्टेज रेंज 1000 वोल्ट से कम है। तो ये हो गया हमारा LT पैनल। हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज 660 वोल्ट दिखा रहा होगा या 700 वोल्ट दिखा रहा होगा, लेकिन जितना भी वोल्टेज दिखाए अगर वो 1 kV से कम है तो उसको आप LT पैनल बोलेंगे, और HT पैनल यानी 1 kV से ज़्यादा रहेगा तो आप उसे HT पैनल बोलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये 6.6 kV का HT पैनल है। तो HT पैनल का बैक साइड पर हम चलते हैं। बैक साइड में देखिए दोस्तों, बैक साइड का उसका जो कंस्ट्रक्शन है कैसे किया गया है, यानी सामने साइड में आप देखें एक ही रो में एक ही ड्राइव के लिए डेडिकेटेड फीडर था, तो उसका बैक साइड में भी सिमिलरली पैनल का बस बार सेक्शन रहेगा, और जो मोटर को आप यहाँ से सप्लाई देंगे तो मोटर का केबल यहाँ पे लगेगा दोस्तों, उसका डेडिकेटेड केबल उसी ड्राइव का पैनल का बैक साइड में टर्मिनेशन होगा, वहाँ पे CT भी रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों LT पैनल का बैक साइड को हम देख लेते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रेकर लगाया गया है, तो ब्रेकर का केबल टर्मिनेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर ये पैनल थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेकिन बाकी सारे देखिए दोस्तों बाकी उतना स्पेस नहीं दिया है। मैं एक वीडियो बनाया था दोस्तों LT पैनल का, पूरा ओपन करके आपको दिखाया था LT पैनल का फ्रंट साइड एंड बैक साइड, उसका बस बार कंस्ट्रक्शन, बस बार डिजाइन, उसी वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में दिखाया था।
अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पैनल थोड़ा बैक साइड आया है। क्यों आया है? जहाँ पे ब्रेकर रहेगा या पैनल का बोस्कोपलर रहेगा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए केबल का टर्मिनेशन करने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा HT पैनल एंड LT पैनल के बारे में। आप कैसे मालूम करेंगे? आपको सबसे पहले देखना है उसका इनकमर। इनकमर पैनल के पास जाइए, वहाँ पे देखिए उसका वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज शो कर रहा है। अगर उसका वोल्टेज 1000 वोल्ट से ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि पैनल HT पैनल है। अगर वो वोल्टेज 1000 वोल्ट से कम शो कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो पैनल LT पैनल है।